यूनिक बात क्या है मालूम है? क्या है ये, हम लोग अभी हूँ आसाम, अभी थोड़ा उधर जाने से हम लोग को मिल जाएगा क्या, अरुणाचल। मतलब हम लोग अभी फिलहाल हूँ आसाम और अरुणाचल के बीच में, बीच में। अभी ये अरुणाचल का भी है ना? अरुणाचल का है। कितना रुपए लिया? ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो बहुत दिन के बाद ब्लॉग लेके आ चुका हूँ। तो आज हम लोग जाने वाला हूँ NHPC का वो डैम देखने के लिए, जो पावर हाउस जो बन रहा है उसमें देखने के लिए। तो पहले भी एक ब्लॉग बनाया था, उसमें आपको अच्छे दिखाने में, इस पर अच्छे दिखाने की कोशिश करूँगा। और वो टूट भी गया, कोई आदमी बोल रहा है वो भी अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी मेरे साथ दोस्त दत्ता, हाय बोलते हाय। तो हम लोग आज मौसम थोड़ा सुहाना मौसम है, बारिश मौसम है, तो आज हम लोग जा रहा है घूमने के लिए। तो हम लोग फिलहाल हूँ एक जंगल का रोड में, तो व्यू देखने में ऐसा है, एक फॉरेस्ट गार्ड भी बोल सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया बोल सकता है। अभी वो ऐसा है देखने में, पूरा देखो क्या खतरनाक लग रहा है ना, मतलब बोरिया लग रहा है पूरा देखने में, बोरिया मतलब खतरनाक लग रहा है पूरा देखने में। तो देखो कितना आदमी घूमने के लिए आ रहा है, जितना भी गाड़ी देख रहा है ना, सब घूमने के लिए आ रहा है। आज संडे का दिन होता है इसलिए काम बंद होता है, जितना भी बंदा लोग देख रहा है सब घूमने के लिए आया आज। तो फाइनली गाइस हम लोग NHPC का जो मेन गेट है और चेक इन गेट इधर पर आ चुका हूँ। तो हम लोग अभी जाने वाला अंदर का तरफ, और वो व्यू देखो ना अंदर में क्या कुआरा कुआरा लग रहा है पूरा सामने का व्यू। तो चलिए गाइस लेट्स गो। सुबनसरी नदी है। तो NHPC जो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है वो सुबनसरी नदी में बन रहा है। तो हम लोग पूछने वाला हूँ अभी इधर पे डैम, मतलब न्यूज में देखा रहा है डैम टूट गया है, पानी डैम का पानी छोड़ दिया ऐसे कुछ बता रहा है। तो हम लोग अभी जाने वाला हूँ, तो चलिए गाइस और डैम का सामने जाता हूँ पहले। डैम का सामने तो जा नहीं पाऊँगा, देखता हूँ कहाँ तक जा पाऊँगा, जितना तक जा पाऊँगा तो दिखाऊँगा। और रोड पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, और कहना 4-5 दिन से पूरा नॉन स्टॉप बारिश हो रहा है, इसका चक्कर में भी ऐसे पूरा रोड का ख़राब हालत है, रोड का हालत बहुत ख़राब है, पूरा पानी। ये देखो ये क्या है, इतना गड्ढा है, गड्ढा तो है ही, देखो ना क्या खतरनाक गड्ढा, क्या गड्ढा का हालत कैसा है, गड्ढा में पानी है और कुछ नहीं, पानी में कीचड़, नहीं नहीं गड्ढा में पानी है, पानी में गड्ढा है और कीचड़ भी है भाई, देखो क्या खतरनाक कीचड़ भरा हुआ है, बी केयरफुल। तो मतलब इतना खतरनाक रोड पे भी हम लोग ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो आयो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। तो सामने हम लोग आ चुका हूँ, देखो पहाड़ देखो, और पहाड़ सच में क्या खतरनाक लग रहा है, एक बार इमेजिन करिए आप लोग, देखो क्या खतरनाक लग रहा है। और पहाड़ का ऊपर में पूरा अभी तक तो कोहरा जमा हुआ है, बारिश हो रहा है इसलिए पूरा कोहरा जमा है। ऐसा जगह में अभी भी आदमी लोग गर्मी के चक्कर में मतलब फैन चला के सोता है, आप लोग इधर पे ब्लैंकेट लेके सोता है, ब्लैंकेट लेके सोना पड़ता है, तू सोता है क्या ब्लैंकेट लेके? हम भी तो कभी कभी सोता हूँ। तो देखा रोड क्या खतरनाक है। तो हम लोग अभी पूछने वाला है वो सबनसरी नदी के सामने जो डैम है, मतलब NHPC का, तो और ज़्यादा दूर नहीं, तो चलिए गाइस लेट्स गो। गाइस हम लोग आ चुका हूँ NHPC का पावर हाउस का सामने। तो पावर हाउस के सामने का व्यू है, वो जो देख रहे हैं वो डैम, तो न्यूज़ में देख रहे थे वो टूट
टूट गया, किंतु सच में टूटा नहीं। न्यूज में जो भी देखा रहा है छोटा मोटा कुछ देखा रहा है, एक पहाड़ गिर गया है, पहाड़ ऊपर से गिर गया, तो व्यू देखने में ऐसा है क्या खतरनाक। तो मेरे साथ मेरा दोस्त दत्त, इधर आके कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। व्यू देखो सच में क्या लग रहा है। और एक उधर एक टेलर देखो, टेलर का जो सामने का बॉडी वो गिर गया था ऊपर से, तो अभी उधर पर अभी भी काम चल रहा है, देख लो आप काम चल रहा है अभी भी पूरा। देखो पानी अभी थोड़ा क्लियर हो गया, कम हो गया, पहले खतरनाक था ना, पहले तो पूरा खतरनाक जैसा था। यूनिक बात क्या है मालूम है? क्या है ये, हम लोग अभी हूँ आसाम, अभी थोड़ा उधर जाने से हम लोग को मिल जाएगा क्या, अरुणाचल। मतलब हम लोग अभी फिलहाल हूँ आसाम और अरुणाचल के बीच में। ये जो पहाड़ देखा, ये पहाड़ सब अरुणाचल का है, फिर हम लोग इस तरफ चला जाने से ये आसाम का है। मतलब आसाम और अरुणाचल में, अरुणाचल के बीच में जो पावर प्रोजेक्ट है दोनों बड़ा है। मतलब पावर प्रोजेक्ट का जो मेन एरिया है, पॉइंट है, हम लोग उस तरफ जाने से। देखो इधर भी सीएसएफ का चेक पॉइंट मिल जाएगा, चेक पॉइंट में तो कभी चेक होता ही नहीं है, तो भी हम लोग मतलब इधर पे जो टनल देख रहा है, ये जो टनल है देखो, इसके अंदर जा सकते हैं हम लोग, इसका टनल है। अभी आपको जाके भी दिखाऊंगा, थोड़ा शॉट ले लूँगा जाके मैं, क्या मैं जा सकता हूँ, मैं ड्यूटी करता हूँ तभी जा सकता हूँ। तो ऐसे व्यू है देखो, वो जो पावर हाउस है, ये जो पावर हाउस और उसके बाद गेट सब इधर है, तो ये पावर हाउस ये डैम है, सब इधर है सब कुछ। देखा व्यू क्या खतरनाक लग रहा है। तो हम लोग अभी जाने वाले सामने का तरफ, चलिएगा चले। गाइस हम लोग अभी अरुणाचल और आसाम का बॉर्डर पास हो रहा हूँ। तो ये हमारा अभी आसाम खत्म होकर अरुणाचल में एंटर कर चुका हूँ, अरुणाचल का विलेज का तरफ जा रहा हूँ। सामने देखो गाड़ी जा रहा है आसाम का, ये अरुणाचल से है। हाँ ये मतलब किचड़ वाला अरुणाचल है। तो गाइस फाइनली हम लोग एंटर कर चुका हूँ अरुणाचल बॉर्डर में, अरुणाचल में हुआ अभी फिलहाल हम लोग, अरुणाचल का अंदर में, अरुणाचल का अंदर है कि नहीं? नहीं अरुणाचल में हो अभी। तुम्हें कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, अरे पहली बार आया हूँ मैं भी फिलहाल, नहीं नहीं आया पहले, पूरा बिंदास घूम रहा है। तो ये अरुणाचल का रोड है, मतलब क्या इधर में पावर प्लांट के चक्कर में हर तरफ गाड़ी आता रहता जाता रहता है, इसलिए बारिश भी हो रहा है, इसलिए पर रोड का हालत बहुत ख़राब है। मेरा दोस्त का बाइक और मैं, मेरा दोस्त, सब मिल के जा रहा हूँ घूमने के लिए गाइस। रोड पर खतरनाक है, कंक्रीट मतलब अप डाउन और कंक्रीट गिरा है थोड़ा थोड़ा, इसलिए ऐसा हो गया। रोड बहुत खतरनाक है, मेरा दोस्त को गाड़ी को बाद में धोना पड़ेगा लेके जाके नदी पे, पानी माना पड़ेगा, बट नदी पे धो लेगा क्या, कौन सा बड़ा बात है। और इधर भी कुछ अरुणाचल का लोकल बंदा लोग भी रहता है, इधर कुछ अरुणाचल का लोकल बंदा लोग भी रहता है। पता नहीं ये रोड कहाँ सब कहाँ जा रहा है, हम लोग को पता नहीं हम लोग जा रहे हैं। पता है क्या ये रूट कहाँ जा रहा है? हमको नहीं पता है, हमको भी पता नहीं, हम आप जाएगा नहीं सामने, पहली बार आया हूं। तो हम लोग जैसे घूम के जाने वाला, तो चल ये जैसे घुमा लेते गाड़ी पकड़। तो अरुणाचल पे तो बियर का क्या प्राइस है आप लोगों का, सबको मतलब वो दिमाग में रहता है क्या ना, अरुणाचल में दारू का प्राइस कम है, बियर का प्राइस कम है। तो मेरा एक दोस्त बियर पीता है, वो बोला बोले वो बियर लिया है, वो कितना रुपये में लिया मैं पूछने वाला हूँ, कितना रुपये में लिया रे? ओनली फॉर 60 60 रुपीज़ है, मैं पकड़ कर दिखा रहा हूँ, 60 रुपीज़ है। आपको MRP भी दिखा दे रहा हूँ, देखो MRP भी है, 60 रुपीज़ है लिया MRP। तो ये आसाम पे कितना लगा, ये 100 रुपये लगा, 100 रुपये। तो इधर पे इतना कम होने का रीजन क्या है? तो बनता है ना, वो इधर बनता है ना, ओ बात है, इसलिए तो आदमी बोलता है अरुणाचल में जाओ। तो मेरा दोस्त लोग बोलते हैं अरुणाचल का बॉर्डर में बगल में, तो आनगढ़ में दारू लेके आ जाना भाई, लोग खुलना है, तुम भी पीना, हम थोड़ी पीगा, तू भी तेरा सामान तू पी लेना। किंगफिशर है ना नाम उसका, क्या है? किंगफिशर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता है, मैं कभी पी के नहीं देगा। ठीक है तुम पियो, ऐश करो।
गाइस आप जिस तरफ देखेगा ओली पहाड़ और पहाड़ों में भरा हुआ है। जिधर भी देखो आपको, जिधर भी आग आपको जाने वाला है, पहाड़ों पहाड़ है। क्या तरफ बियर अभी तक तो पीना नहीं खत्म नहीं हुआ क्या? खत्म हो गया। चलो निकल दो इधर से, तो फेंक दो। तो हम लोग का दोस्त का बाइक अभी हम लोग निकलने वाला हो, तो चलिए गाइस लेट्स गो। फाइनली गाइस हम लोग अरुणाचल से निकल के आ चुका, मतलब निकल जा रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग हम लोग इधर ही कर रहा हूँ एंड और एक नया ब्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात कर रहा हूँ। दत्तो आज जो घूम के कैसा लगा? हमको भी अच्छा लगा, तुमको कैसा लगा? हमको सच में बहुत अच्छा लगा। मेरा लाइफ का खतरनाक प्लेस को आज एक्सप्लोर किया, मतलब खतरनाक प्लेस, मतलब जब कितना पहली बार। हाँ मतलब मेरा लाइफ का खतरनाक प्लेस, मेरा लाइफ का खतरनाक प्लेस आज एक्सप्लोर किया है। हमने कहा व्यू देखो ना क्या खतरनाक लग रहा है। तो हम लोग फिर मतलब एनएसपीसी का पावर हाउस के सामने आ चुका हूँ। चलिए गाइस आज का ब्लॉग इधर एंड कर रहा हूँ और एक नया ब्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात करता हूँ।